हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। कैसे 16-17 दिनों के अंदर हमने 11th की पूरी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर ली, इस बात का आपको भी अंदाजा नहीं होगा। आज हम 11th की फिजिक्स जो है उसके बिल्कुल आखिरी पड़ाव के ऊपर खड़े हैं। आखिरी चैप्टर बचा हुआ है और इस चैप्टर को हमने बांटा है दो पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट के अंदर हम वेव्स, उसकी इक्वेशन और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर हम वेव फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे कि बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, और इनके डिफरेंट जो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जो सेकंड वीडियो होगा वेव्स के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो थोड़ा छोटा भी होगा और केवल वेव और उसके इंट्रोडक्शन के लिए आपको देखना है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और वो क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये मैप है आपका और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको वेव की इक्वेशन को डिस्क्राइब करना सिखाया गया है, ठीक है ना। वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमेशा टाइम एज वेल एज पोजिशन, यानी कि टी और एक्स, अगर वो एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है तो दोनों का फंक्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने देखा था कि इक्वेशन केवल और केवल टाइम के फंक्शन की फॉर्म में थी, यहां पर टाइम का फंक्शन भी होगा और साइमल्टेनियसली पोजीशन का फंक्शन भी होगा, जो भी वेव की इक्वेशन होगी वो, ठीक है। साथ ही साथ में हम जो वेव पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेसिव वेव है, साइनोशूडल वेव है, तो उसका जो इक्वेशन है उसके अंदर हमें साइन और कोसाइन फंक्शन दिखाई देंगे। तो लगभग इसकी जो शक्ल है वो SHM की इक्वेशन से ही मिलती जुलती होगी विथ दीज अबाउ मेंशनड डिफरेंसेज, राइट। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को देख के आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हो। सबसे पहले ए दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड, फिर आपसे पूछा जाएगा वॉट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यू ऑल नो दैट। तो टाइम का जो भी कोफिशेंट होगा वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हम दो चीजें निकाल सकते हैं, जैसा हमने SHM में भी निकाला था, टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां तक की चीजें तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी करी थी। अब अपन इसको पकड़ते हैं, जो एक्स का कॉफिशियंट होगा ना उसको देख के आप दो चीजें पता लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप ये पता लगा सकते हो कि वेव आखिर में किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो इसके लिए आपको देखना है कि जो टाइम का कॉफिशियंट है और जो एक्स का कोफिशियंट है, इन दोनों के साइन जो है अगर वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, तब तो आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और अगर दोनों के कोफिशियंट की जो साइन है वो सेम है, आइदर दोनों नेगेटिव है आइदर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, उस कंडीशन में वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई होगी, राइट। तो वेव की इक्वेशन को देखकर, टाइम और एक्स के कॉफिशियंट को देख के हम वेव की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर आपके ये काम आ सकता है। दूसरी चीज हम क्या पता लगा सकते हैं इस एक्स के कॉफिशियंट को देख के, साइन से तो हमने वेव की डायरेक्शन पता लगा ली, फिर इस कॉफिशियंट के द्वारा हम पता लगा, पहले तो ये कॉफिशियंट कहलाता है वेव प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, और इस कॉफिशियंट की मदद से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि जो आपने पल्स जनरेट करी है वो धीरे 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 एक्स डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रही है। तो एक टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि आपने पल्स माना है किस तरीके की, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई पल्स आपने मानी, राइट। तो एक टाइम पीरियड के अंदर ये पल्स एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना ट्रेवल कर जाएगी, उस डिस्टेंस को कहा जाता है 1 टाइम पीरियड। तो जैसे ही आपको के यानी कि एक्स का कॉफिशियंट दिखाई देगा, उससे आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के एंड इट विल बी कॉल्ड वेवलेंथ। फिर आते हैं अपन इसके ऊपर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करेगा। और टाइम के कोफिशियंट और एक्स के कोफिशियंट की मदद से आप एक और चीज निकाल सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड कह लो। तो वेव स्पीड जो होगी, वैसे तो लेमडा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी के इक्वल होनी चाहिए, आपने खुद ने इनको डिफाइन ही इसी तरीके से किया है। आपने बोला है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वेव जो है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है एक वेवलेंथ के इक्वल, और लेमडा की वैल्यू रखोगे 2 पाई अपॉन के, टी की वैल्यू रखोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आपको ये फॉर्मूला आता हुआ नजर आएगा, दैट इज ओमेगा अपॉन के। तो ध्यान देना, एक
इस कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट के अंदर आपको अपीयर होता हुआ दिखाई दे जाए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपको वेव की इक्वेशन दे दी जाएगी और वेव की किसी भी इनमें से एक प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये काम किया है और यहाँ पर भी आपने इस चैप्टर की शुरुआत इसी चीज के साथ में करी है, राइट। ये जो वेव स्पीड है ना, ये बेसिकली उस वेव यानी कि जो आपने पल्स जनरेट करी है, जो आपने डिस्टरबेंस जनरेट किया है, उसके उस मीडियम के अंदर ट्रेवल करने की स्पीड है। जबकि हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर SHM कर रहा है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी रेदर देन वेव की स्पीड के, ठीक है ना। वेव की स्पीड किसी गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, जबकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हर पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब आप पूछोगे कि सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बार बार क्यों मेंशन किया जा रहा है, तो हमने जो वेव की इक्वेशन ली है अगर आप उसमें पार्टिकल की पोजीशन फिक्स कर दोगे, यानी कि एक्स की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख दोगे, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जहां से भी आपने ओरिजिन लिया है, तो ये चीज भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये चीज तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो आप देखोगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन आपने स्पेसिफाई करी है वहां पर जो पार्टिकल है वो किस तरीके की मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, मिक्स किए जा सकते हैं। आपसे उस पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर वेलोसिटी पूछी जा सकती है, उसका एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करी जा सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, राइट। फिर अपन आते हैं कि अब यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई, आपके बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर बिखरे हुए हैं, आपके टाइम स्टैम्प्स मतलब टाइम तो चल ही रहा है, राइट, एक टाइम वेरिएबल हो गया, और हर पार्टिकल अपने अपने प्लेस के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और कोई भी दो पार्टिकल्स जो है उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसे तो सेम है बट उनके बीच में फेज का डिफरेंस है। फेज हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था काफी अच्छे से, राइट। तो फेज डिफरेंस या दो पार्टिकल की पोजिशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है पाथ डिफरेंस, या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिफरेंस बोले तो उसको बोला जाता है टाइम डिफरेंस। इन तीनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी दो पार्टिकल उठा लो, उनके बीच का फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई, उनके बीच का पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स, और उनके बीच का टाइम डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी, उन तीनों के बीच में रिलेशन होगा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। तो ये रिलेशन आपके कब काम में आएगा, जैसे कई बार आपको है ना इसको फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इन दोनों को यूज कर लेना, तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स, और 2 पाई अपॉन लेमडा किसके इक्वल था, आपके के इक्वल था, तो के टाइम्स डेल्टा एक्स भी लिखा जा सकता है उसको, राइट। या कई बार पाथ डिफरेंस को अगर आपको फेज डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए भी इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। सो दैट इज क्वाइट हैंडी, ये आपके काम आ सकती है, इसलिए मैंने इसको अलग से मैंशन किया है, राइट। इसको याद करना कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप फेज डिफरेंस की बात कर रहे हो जो कि रेडियंस के अंदर मेजर किया जाता है, तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है 2 पाई रेडियन से। अगर आप पाथ डिफरेंस की बात करते हो तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है लैम्डा से, और अगर आप टाइम डिफरेंस की बात कर रहे हो तो एक साइकिल रिप्रेजेंट होता है टाइम पीरियड से, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि कौन सा पैटर्न जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, तो अब यहां पे अपन दो तरीके की वेव्स के बारे में बात करेंगे, एक तो वेव इन स्ट्रिंग जो कि एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपकी वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल ऑसिलेशन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल वाइब्रेशन इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। तो हम जो स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल लेते हैं वो आप खुद महसूस कर सकते हो किस तरीके की वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी, और जो हम साउंड वेव का एग्जाम्पल लेंगे आगे जाके वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल हो जाएगी। स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव, और आगे जाके साउंड के बारे में बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। अगर वेव्स को और
डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करना चाहो तो आप फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो. वन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव और अदर इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव का मतलब है जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रिंग और साउंड. इन दोनों के अंदर ये दोनों तरीके की जो वेव्स है ये किसका एग्जाम्पल हो गई, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल हो गई. और जब आप आगे जाओगे लाइट के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल हो जाती है. एक थर्ड कैटेगरी की वेव और है जिसको मैटर वेव बोला जाता है. जब आप डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस पढ़ोगे ठीक है ना, वहां पर आपको मैटर वेव्स के बारे में पता चलेगा. खैर, तो अभी हम वेव्स इन ए स्ट्रिंग की बात करें तो जो उनकी वेलोसिटी होती है वो स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है और स्ट्रिंग के अंदर कितनी लीनियर मास डेंसिटी है, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है. यहां पर आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है वो मीडियम की दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है. एक तो होती है मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टीज और एक होती है मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इनर्शियल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं अपन. इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो वेव के प्रोपेगेशन के लिए जरूरी होती है. जब अगर स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हो तो स्ट्रिंग का एक पार्टिकल अगर आप मूव करवाने की कोशिश करते हो तो वो अपने अगले पार्टिकल से क्या है, अटैच्ड है, उन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी प्रेजेंट है. इसी की वजह से तो खुद ऊपर नहीं जाता, अपने साथ साथ नेक्स्ट पार्टिकल को भी ऊपर लेके जाता है, नेक्स्ट अपने से आगे वाले पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा और आपको पूरा का पूरा एक वेव पल्स बनता हुआ नजर आएगा, राइट. तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रेजेंट करी जाती है टेंशन इन स्ट्रिंग के द्वारा. और जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट करता था, मास को रिप्रेजेंट करता था अगर आपको ध्यान हो तो, राइट. हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो कि उसकी मोशन को रेजिस्ट करने का काम करती है, ठीक है ना. तो इनर्शियल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो लीनियर मास डेंसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी. तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू. टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग एंड म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ. इसको आप एक और तरीके से भी ध्यान रख लो, कई बार आपको मास पर यूनिट लेंथ ना देके उस स्ट्रिंग की रेडियस दे दी जाती है और उस स्ट्रिंग के मटेरियल की डेंसिटी दे दी जाती है. तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 बाय रेडियस अंडर रूट टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स रो, ठीक है. तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए. इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बड़े आसान आसान से और अभी भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी. तो बेसिकली वेव जो है ना वो है क्या, वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. जैसे सपोज करो आपके पास में कोई बॉक्स पड़ा है तो आप अपने 10 मीटर दूर खड़े हुए एक फ्रेंड को वो बॉक्स जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपके पास में दो अलग अलग तरीके हैं. आप एक तो खुद उस दोस्त के पास जाके इस बॉक्स को हैंड ओवर कर सकते हो, तो इसमें खुद पार्टिकल को क्या करना पड़ रहा है, मूव होना पड़ रहा है बॉक्स को ट्रांसफर करने के लिए. तो ये जो तरीका था एनर्जी का ट्रांसफर का, ये हमने कॉलिजन के अंदर पढ़ा था. जब दो पार्टिकल एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं और टकराते हैं तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, वो एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. जबकि दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 10 मीटर खड़े दूर खड़े अपने दोस्त को ये बॉक्स देना चाहते हो, तो आप किस जस्ट आगे जो आपका फ्रेंड खड़ा होगा आप उसको दे दोगे, वो अपने से आगे वाले को दे देगा, वो उससे आगे वाले को दे देगा, और इस तरीके से आपका जो बॉक्स है वो ट्रांसफर होते हुए अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएगा. तो इसके अंदर आपने देखा कि खुद पार्टिकल को मूव होना नहीं पड़ा, पार्टिकल बस केवल और केवल अपने जगह पर हल्की सी मोशन कर रहा है, हल्का सा मैं बॉक्स दे रहा हूँ, राइट, ऐसे चेम कर रहा है, और एनर्जी जो है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. तो वेव की एनर्जी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है, और उनमें से पहली क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है इंटेंसिटी और दूसरी क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी. तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो तो किसके इक्वल निकल के आता है, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम्स वी टाइम्स रो. तो यहां पर एन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली कि इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ए एम्पलीट्यूड है तो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव स्पीड, राइट. वेव की स्पीड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साथ ही साथ में आपका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी के
भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई देती है आपको ये एनर्जी डेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे तो वो लगभग ऐसा ही निकल के आएगा, 2π² n² a² टाइम्स रो। तो ये इंटेंसिटी जैसा ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है इंटेंसिटी वेव स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि एनर्जी डेंसिटी जो है वो वेव स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज ध्यान रख लेना, उससे आपको ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रह जाएगा। तो इसके ऊपर कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड दे दिए जाते हैं, बोला जाता है कि उनकी इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये वाला जो सेक्शन था ये स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की जाने वाली ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव के बारे में था। अब हम साउंड वेव के बारे में बात करते हैं, राइट। साउंड वेव को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव, क्योंकि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो हर लेयर जो है एयर की वो अपने प्लेस से हल्का सा क्या होती है, डिस्प्लेस होती है वाइब्रेट करने के दौरान। और प्रेशर वेव की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है लेयर्स का, तो आप देखोगे आपको ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो कंप्रेशन जहां पर होता है वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जहां पर रेयरफैक्शंस होते हैं वहां पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव अगर लिखी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के इक्वल होगा। और सेम वेव को अगर प्रेशर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो चेंज इन प्रेशर, जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है उसके कंपैरिजन में, विल बी इक्वल टू मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव, एक में साइन फंक्शन आ रहा है और एक में कॉस फंक्शन आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, पाई बाय टू होगा। अब पाई बाय टू होने का सिग्निफिकेंस क्या है कि जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर अपने आप ई प्रेशर जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां पर अपने आप ही प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, राइट। वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आप देखो तो पहले तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, फिर लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था, तो हम डायरेक्ट करेक्टेड फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स पी डिवाइडेड बाय रो। यहां पर गामा जो है वो सी पी डिवाइडेड बाय सी वी के इक्वल है, ठीक है ना। गैस कॉन्स्टेंट होता है, गैस के लिए कांस्टेंट होता है, राइट। और पी अपॉन रो अपनों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी देखा था कि इसको लिखा जा सकता है किसी गैस के लिए आर टाइम्स टी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो अंडर रूट गामा टाइम्स आर टाइम्स टी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू के इक्वल भी इसको लिखा जा सकता है। ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए इसलिए काम का है क्योंकि हम इससे ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेव स्पीड जो है, साउंड की स्पीड जो है वो अपने आप आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो वेव की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है वो अपने आप आपको घटती हुई नजर आएगी। फिर उस हिसाब से तो आप बोलोगे कि सर वेव स्पीड तो हमें प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड होती हुई नजर आ रही है, जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर के ऊपर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे ही आपकी डेंसिटी भी उसी रेशियो के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप केवल और केवल टेम्परेचर एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड ऑफ एयर वो ध्यान रख सकते हो, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, राइट। लाउडनेस करके एक प्रॉपर्टी होती है जहां पर आप साउंड की जो मिनिमम, इसको अपन बोलते हैं मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी बोला जाता है इसको, कि आप मिनिमम किस इंटेंसिटी का जो साउंड है वो सुन सकते हो, तो उसके कंपैरिजन में आपका जो कोई भी जनरल साउंड है वो कितना ज़्यादा लाउड है उसको आप कैसे मेजर करते हो, एक नया स्केल है जिसको अपन बोलते हैं डेसिबल स्केल। तो लाउडनेस उस डेसिबल स्केल के अंदर मेजर करी जाती है, और उसका फॉर्मूला होता है 10 log 10 I/I0। इसके ऊपर हालांकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट फिर भी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार आपको किसी क्वेश्चन के अंदर यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा। और दो वेव्स जब एक पॉइंट के ऊपर एक साथ अपीयर होती है तो आप रिजल्टेंट वेव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि दोनों वेव्स की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐड कर दो, और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का रिजल्ट दिखाई देता है, और उनमें से एक
तरीका और एक रिजल्ट हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन ध्यान रख लो सबसे पहले। तो इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। उनका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है और उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे एक वेव को आप लिखोगे y1 इज इक्वल टू a1 sin ωt - kx, तो दूसरी को आपको लिखना पड़ेगा y2 इज इक्वल टू a2। एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। sin ωt - kx, ओमेगा और के सेम रखे मैंने क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वेव सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हुई होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हुई होनी चाहिए, तो इसको चेंज नहीं करना। प्लस थीटा, दोनों के बीच में हो सकता है कुछ फेज डिफरेंस हो। सारा का सारा खेल इसी का ही है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी उसकी शक्ल भी ऐसी होगी, a sin ωt - kx + y। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, √a1² + a2² + 2a1a2 cos थीटा। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने देखा था वेक्टर्स के अंदर, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था एक फेजर मेथड। तो फेजर जो है वो वेक्टर्स की तरह ही काम करते हैं। तो आप बेसिकली दो फेजर्स को ऐड कर रहे हो, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला भी नया होगा, नया नहीं होगा, राइट। आप इसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पहले वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वेव की इंटेंसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल होगी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों वेव्स के बीच के फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहे हैं, वो तो नो डाउट करेंगे करेंगे, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उनमें से दो स्पेसिफिक कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। पहला कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो जाए, 2π हो जाए, 4π हो जाए, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाए होना चाहिए, 2n π होना चाहिए। या फिर पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बात करो तो 0 हो जाए, लेमडा हो जाए, 2λ हो जाए, यानी कि मल्टीपल ऑफ लेमडा हो जाए। आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया था √ΔΦ/2π = √Δx/λ। तो उससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो 2π का फेज डिफरेंस होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, लेमडा के पाथ डिफरेंस के इक्वल होता है। तो 2π को लेमडा से, 4π को 2λ से रिप्लेस करते हैं, इस तरीके से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। तो इन सभी केसेस के अंदर आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होते ही आपका फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाएगा a = simply a1 + a2, क्योंकि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए, इसलिए इसको कहा गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी हो जाएगी √i1 + √i2² यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 1 रखोगे तो ये बन जाएगा, इसको आप आसानी से √i1 + √i2² लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन जो है वो कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कब होती है, जब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाए हो जाए, यानी कि 3π हो गया, 5π हो गया, 7π हो गया, या पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बात करो तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए, ठीक है ना, जैसे 3λ/2 हो गया, λ/2 हो गया, 5λ/2 हो गया, राइट। इन सभी केसेस में आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, और जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू -1 रखोगे आप एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में, तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता हुआ नजर आएगा a1 - a2, बड़े में से छोटे एम्पलीट्यूड को माइनस कर देना, या इंटेंसिटी जो है वो आती हुई नजर आएगी √i1 - √i2² तो क्योंकि इस केस में आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इंटेंसिटी मिनिमम है, और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है वेव्स, इसलिए कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो इंटरफेरेंस के ऊपर। तो ये हो गई हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन, और अब हम बढ़ते हैं आगे डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर जो कि इस सेगमेंट के ऊपर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव। तो मैंने तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी जिसमें आपने पीरियोडिक फंक्शन लिया था, साइन और कोसाइन फंक्शन, बट एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि आपका जो वेव है उसका फंक्शन हमेशा टाइम का फंक्शन भी होगा, साथ ही साथ में पोजिशन का फंक्शन भी होगा। तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे तो चारों के चारों फंक्शन ही टाइम के और पोजिशन के दोनों के फंक्शंस हैं, यानी कि चारों के चारों कैंडिडेट वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है
और वो पीरियोडिक फंक्शन वाली बात के अंदर छुपी हुई है कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है ना उसकी लिमिट्स हमेशा फाइनाइट होती है। जैसे आपने साइन फंक्शन लिया था तो साइन फंक्शन की लिमिट हमेशा फाइनाइट होती है कि वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आपको इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी देखनी है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, सब पोजिशन और टाइम भी फंक्शन है मान लिया, बट कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि फाइनाइट रेंज के अंदर वेरी कर रहा है। इसके लिए आप क्या करो, जो भी एक्स प्लस माइनस वी टी है उसकी जगह 0 रख के देख लो, या फिर इनफाइनाइट रख के देख लो, या फिर माइनस इनफाइनाइट रख के देख लो, एक्सट्रीम वैल्यूज रख के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो जैसे आप इस एक्स माइनस वी टी की जगह इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होगा, यानी कि आप देख रहे हो कि ये फाइनाइट लिमिट्स के बीच में वेरी नहीं कर रहा। सेम चीज इसके साथ है, जब आप इसको इनफाइनाइट रखोगे तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, तो ये भी आपका फाइनाइट रेंज के अंदर वेरी नहीं कर रहा। जब आप इस एक्स माइनस वी टी की जगह 0 रखोगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगेन यू कैन सी दैट दिस फंक्शन विल नॉट बी वेरिंग इन अ फाइनाइट रेंज। इसको देखो, इसमें आप भले ही 0 रख लो, या फिर माइनस इनफाइनाइट रख लो, या फिर प्लस इनफाइनाइट रख लो, हर केस के अंदर आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। 0 रखोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होता है, यानी कि e की पावर माइनस इनफिनिटी, यानी कि 1/e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी खुद इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी यानी कि 0। और अगर आप माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर रखते तो e की पावर माइनस माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करते तो आगे की कहानी सेम हो जाती है भाई, माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाता, आगे की कहानी सेम है। तो आप 0 रख के देख लो, इनफाइनाइट रख के देख लो, माइनस इनफाइनाइट रख के देख लो, आपको पता पड़ेगा कि यार ये तो फाइनाइट रेंज के अंदर ही वेरी कर रहा है। सो दिस इज अ पॉसिबल कैंडिडेट विच माइट बी रिप्रेजेंटिंग अ ट्रेवलिंग वेव, अ प्रोग्रेसिव वेव, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे वेव के इक्वेशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द स्ट्रिंग हैज मास 4.5 ग्राम, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। अब देखो, आपको ऐसा कहा गया है कि जो ये स्ट्रिंग है इसका मास कितना है, 4.5 ग्राम्स है। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो वेव जनरेट होगी, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप देखोगे कि 20 न्यूटन नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है और वो इसको बैलेंस करे हुए है किसको, टेंशन को। तो टेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जानी चाहिए आपकी, 20 न्यूटन आ जानी चाहिए। रही बात म्यू की, तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर मास तो आपको कितना दे रखा है, 4.5 ग्राम। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिस्टेंस देखो कितनी है, तो हालांकि इसमें यहां से यहां तक बता रखी है, बट ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को बताने के लिए इंडिकेट किया गया है, राइट? तो यहां से लेके यहां तक की 2 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक 25 सेंटीमीटर है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2.25 मीटर्स, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर को अपन 0.25 मीटर लिख सकते हैं। तो टोटल लेंथ ही होगी। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 00 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 00 नीचे आ जाएगा, और आप आसानी से 45 से 225 को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप 15 से कर लो, 15 से करोगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और 15 से करोगे तो ये 15 टाइम्स चला जाएगा, फिर 3 से ये सिंगल टाइम, और ये 5 टाइम चला जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10^-3, ठीक है? तो आपके पास में टेंशन की भी वैल्यू आ गई और आपके पास में म्यू की वैल्यू भी आ गई। तो अब आप आसानी से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेलोसिटी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू तो है 20 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू है 2 × 10^-3। तो 2 से तो 20 कट गया, तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 10, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10^3। तो टोटल पावर 4 हो गई, यानी कि वेलोसिटी आ गई आपकी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो जैसे हमारे पास में वेलोसिटी आ गई, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली।
तो यहां से पुली तक जाने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है आपकी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/50, या फिर यूं लिख लो 0.02 सेकेंड्स। इतने कम टाइम के अंदर आपकी जो वेव है वो कहां पर पहुंच जाएगी, पुली तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि क्वेश्चन वेव का है, वेव स्पीड आपको निकाल के टाइम निकालना है, बट आपको फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज ट्रेवल्स बिटवीन एक्स एंड वाई एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 सेकेंड। तो यहां पे इसको पकड़ो, ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 सेकेंड बिटवीन एक्स एंड वाई, हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर इन डिस्टेंस एक्स एंड वाई। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को रिलेट करना सीखोगे आप यहाँ पे। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अंडरलाइन करी है उससे आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो वेव की। आपको बता रखा है कि वेव 600 मीटर चलती है 2 सेकंड के अंदर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 600/2, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ, जो वेव की स्पीड थी वो हुआ करती थी लेमडा डिवाइडेड बाय टी के, और 1/T जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो इसको लेमडा टाइम्स एफ भी लिखा जा सकता है। तो इससे आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो कि तो लेमडा कितना आ जाएगा आपका, वी अपॉन एफ के इक्वल आ जाएगा। वी कितना है 300 और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको दे रखी है 500 हर्ट्ज, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 3/5 मीटर्स। और जैसे ही आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो ये 600 मीटर का गैप आपको दिया हुआ था इसमें कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस 600 मीटर को एक वेवलेंथ की लेंथ से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 3/5 से डिवाइड कर दोगे, 5 चला जाएगा ऊपर, ये 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो कहाँ वेलोसिटी उठाई, उसको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से रिलेट किया और फिर इस क्वेश्चन को बनाया गया, ये आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एट अ प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज वी, द स्पीड ऑफ अनदर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज एट द सेम प्लेस विल वी। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो वेव की स्पीड होती है, ठीक है ना, इफ एट अ प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वी, वो किसके इक्वल होती है, वो लेमडा टाइम्स फ्रीक्वेंसी एफ की इक्वल होती है। लेमडा अगर आपको याद हो तो 2π/k के इक्वल हुआ करता था, और k वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वो वेव के मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप सेम प्लेस की बात कर रहे हो तो लेमडा तो हो गया यहां पर सेम, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, यानी कि सेकेंड टाइम जो वेलोसिटी होगी और सेकेंड टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी, और फर्स्ट टाइम जो वेलोसिटी और फर्स्ट टाइम जो फ्रीक्वेंसी, इनका रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो v डैश हमें निकालना है, f डैश हमें कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ अनदर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, ठीक है। तो f डैश हमें दे रखा है 150, f हमें दे रखा है 300 और v हमें दे रखा है सिंपली v। तो आप देखोगे v डैश की जो वैल्यू है वो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगी, v/2 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव फॉर अ वायर y इज इक्वल टू 4 sin π/2 टाइम्स 80 - x/8। तो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखाई देनी चाहिए, एक तो टाइम का कोफिशियंट है और एक x का कोफिशियंट है, राइट, फाइन ही है इसमें। इफ x एंड y आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर देन वेलोसिटी ऑफ वेव इज, तो जो टाइम का कोफिशियंट है वो तो क्या होता था, ओमेगा। तो ओमेगा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/2 × 8, दैट इज 4π। और जो x का कोफिशियंट हुआ करता था वो हो जाएगा आपका k, तो k यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना है, π/2 × 1/8, यानी कि π/16, ठीक है।
तो वेव की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हुआ करती थी, ओमेगा अपॉन के इक्वल हुआ करती थी। ओमेगा की वैल्यू रखी आपने 4 पाई और के की वैल्यू रखी पाई अपॉन 16, पाई से पाई चला गया, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। यहां तक की बात तो समझ में आ गई हमें। अब अपन आते हैं डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन के लिए आपको एक फंडा बताया था कि टाइम के कोफिशियंट और एक्स के कोफिशियंट का साइन देखना है। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, और दोनों के साइन नेगेटिव अपोजिट सेम है एक दूसरे के तो फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि टाइम का कोफिशियंट तो पॉजिटिव है और एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है, दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि पक्का वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्ट्रिंग द स्पीड ऑफ वेव इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस एट अ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर विल बी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फेज डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय 2 पाई और जो पाथ डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें पाथ डिफरेंस दे दिया गया है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 2 पाई से हमें कोई परेशानी है ही नहीं, बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। और लैम्डा हम कहां से निकालेंगे, हमने देखा था वेव की स्पीड होती है लैम्डा टाइम्स एफ, तो लैम्डा हो जाएगा वी अपॉन एफ। तो वी जो है वो आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड और एफ आपको दे रखा है 100 हर्ट्ज, यानी कि 1/10 meters, ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं अपन इसको, डेल्टा फाई हमें निकालना है, 2 पाई को अपन उधर ले जाते हैं, डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10^-2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया 1/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, तो 5 पाई, और ये 10^-2 नीचे चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 से 100 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ जाएगा π/20, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन अपन वापस से वेरीफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमें 10 मीटर पर सेकंड ही दे रखा है, सारी चीज़ें ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो आई होप ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है π/20 वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार आप वापस से कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी 0.04 kg/m इज गिवन बाय दिस फॉलोइंग इक्वेशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो देखो टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, लीनियर मास डेंसिटी आपको दी हुई है, अगर आप वेव की वेलोसिटी निकाल लो तो कहीं ना कहीं आपको एक लिंक जो है वो नजर आ जाएगा दी हुई इंफॉर्मेशन में। और वेव की वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे, हम टाइम का कोफिशियंट पकड़ते थे, तो यहाँ पर कितना है 2π/0.04, ठीक है। और x का कोफिशियंट k के इक्वल हुआ करता था, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/0.5, और वेव की स्पीड हुआ करती थी ओमेगा अपॉन के, ओमेगा हो गया आपका 2π/0.04 और k हो गया आपका 2π/0.5, 2π से 2π कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा 100 और ये पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 10, तो 5 से ये 10 कैंसिल हो गया और 4 से ये 100 कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी आ गई फाइनली 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई करते चलो आप साथ में। अब जैसे ही हमारे पास में वेलोसिटी आ गई तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था √T/μ, तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, इसका स्क्वायर, दैट इज 12.5 होल स्क्वायर टाइम्स म्यू, म्यू कितना है आपका 0.04, ठीक है। म्यू कितना दे रखा है आपको, 0.04 दे रखा है। ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, टेंशन के इक्वल हो जाना चाहिए,
तो इसकी वैल्यू अपन जब फाइंड आउट करेंगे तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 12.5 टाइम्स 12.5 टाइम्स 0.04 को लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाय 100। तो 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, और 25 से 12.5 कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स, और 0.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आपको आता हुआ नजर आएगा 6.25। ठीक है, 12.5 का हाफ कर लो, 0.5 का मतलब 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, सिंपल स्वीट, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस सेगमेंट के ऊपर से बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेयरली पूछे जाएंगे, और जब भी पूछे जाएंगे तो आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंग्स विद फ्रीक्वेंसी एन एंड बी सिंग्स विद अ फ्रीक्वेंसी 1/8 दैट ऑफ ए, मतलब एन बाई एट से कर रहे हैं। इफ द एनर्जी रिमेन्स द सेम द एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज ए देन एम्पलीट्यूड ऑफ बी विल बी। अब एनर्जी रिमेन्स द सेम का मतलब है कि दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, ठीक है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पहले वाले बंदे की जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर और जो ए है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी है एन बाई एट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा, और दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का, तो इसको अपन लिख लेते हैं ए बी उसका स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, 64 को उधर भेज देंगे, तो 64 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लोगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी आपको मिलेगा 8 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको करेक्ट आता हुआ नजर आए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो आप इस तरीके के फंडे जो है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट द सेम प्रेशर इन टू मोनो एटॉमिक गैसेस ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू आर वी वन एंड वी टू रेस्पेक्टिवली। इफ रो वन रो टू इज इक्वल टू 4 देन वी वन डिवाइडेड बाई वी टू इज, वी नो दैट वी दोनों मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, यानी कि दोनों के लिए गामा की वैल्यू सेम होगी। प्रेशर के बारे में कुछ कहा नहीं जाए तो प्रेशर भी सेम मान लेना, राइट। कहा भी गया सेम प्रेशर है, राइट। तो वेलोसिटी इस केस में अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आप लिख सकते हो कि वी टू डिवाइडेड बाई वी वन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट रो वन डिवाइडेड बाय रो टू के इक्वल हो जाएगा। और रो वन डिवाइडेड बाय रो टू आपको दे रखा है 4 के इक्वल, तो अंडर रूट ऑफ 4 करोगे तो आपको 2 आता हुआ नजर आएगा, यानी कि वी टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी वन, यानी कि वी वन डिवाइडेड बाय वी टू हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3/4, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम विल बी। तो देखो आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दे दिया गया है, मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 आपको दे दिया गया है कितना, 3/4। आपको पता है जो इंटेंसिटीज होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि A1 डिवाइडेड बाय A2 3/4 दे रखा है, तो I1 डिवाइडेड बाय I2 किसके इक्वल हो जाएगा, 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि √I1 √I2 के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। और मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, √I1 -√I2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना, तो इसको I2 -I1 कर लो, राइट, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, हमें नहीं पता I1 और I2 है कितना, मतलब अपन I1 को 9 मान सकते हैं और I2 को 16 मान सकते हैं। तो यहां पे 9 का अंडर रूट करोगे तो कितना बचेगा, 3, और यहां पे 16 का रूट करोगे तो कितना बचेगा, 4। उसका करना है आपको स्क्वायर, और इधर देखोगे 16 का रूट करोगे 4,
9 का रूट करोगे 3 एंड 4 माइनस 3 का आपको स्क्वायर करना है, ये तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का जो रेशियो है वो आपको कितना आता हुआ नजर आएगा, 49 रेशियो 1 के इक्वल आता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव फ्रॉम टू सोर्सेज सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज व्हेन बोथ वेव्स रीच इन द सेम फेज एंड दे रीच विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री विल बी। तो इसको पकड़ो, पहली कंडीशन में तो वो सेम फेज के अंदर पहुंच रही है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि उनकी जो इंटेंसिटीज है उनका रूट जो है वो ऐड हो जाया करेगा। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज व्हेन बोथ वेव्स रीच इन सेम फेज, ठीक है, तो वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स आर इक्वल। एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब है दोनों की इंटेंसिटीज भी क्या है, सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। तो आप जब सेम फेज के अंदर लोगे तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो थीटा आपको कहा गया है जीरो, इस केस में आई जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 टू रूट I1 अंडर रूट I2 cos थीटा, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसी को अपन लिखा करते थे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर इसकी जगह भी I0 रखें तो ये हो जाएगा रूट I0, इसकी जगह भी I0 रखें तो ये हो जाएगा रूट I0। क्यों रखा मैंने दोनों की जगह सेम, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम दे रखा है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो ये हो जाएगा टू रूट I0 का होल स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स आई नॉट। रिजल्ट आपके वैसे भी काम आ सकता है तो इसको ध्यान रख लेना, जब दो सेम इंटेंसिटी वाली वेव एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 गुना हो जाया करती है, तो एक तो ये हो गया। और अगर अपन आई डैश की बात करें कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, तो उस केस में कॉस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा सिंपली आई वन प्लस I2, I1 की जगह भी I0 रखा, I2 की जगह भी I0 रखा, तो ये आ जाएगा 2I0। इसका और इसका रेशियो लोगे, I और I डैश का जब रेशियो लोगे तो आपको दिखाई देगा 4I0 डिवाइडेड बाय 2I0, I0 से I0 चला गया यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। राइट, तो जो जो कहा गया है क्वेश्चन में उसको फॉलो करो, बड़े क्वेश्चन देख के घबरा मत जाया करो, राइट, वो बहुत आसान होता है, अक्सर बड़े क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, राइट, आपको पेशेंस से उनको बस पढ़ना आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड इन टू स्टील वायर्स ए एंड बी, द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड द टेंशन इन ए इज हाफ दैट इन बी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेव्स इन ए एंड बी इज। तो यहाँ पर डायमीटर के लेवल पे बात करी गई, आपने ध्यान दिया हो तो आपको लीनियर मास डेंसिटी नहीं दी, तो उस केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन रेडियस t डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स रो के इक्वल होता है, ठीक है, ऐसा कुछ अपनों ने फॉर्मूला देखा था। अब देखो बाकी चीजों से मुझे कुछ मतलब नहीं है, वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, पाए तो कांस्टेंट है ही और रो मैंने इसलिए कांस्टेंट लिया है क्योंकि दोनों के दोनों वायर्स जो है वो किसके बने हुए हैं, स्टील के, दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर अपन लिखें इसके बेसिस पे तो वी वन या वी टू डिवाइडेड बाय वी वन जो होगा, ठीक है, वेलोसिटी वी वन डिवाइडेड बाय वी टू निकालना है अपनों को, उल्टा कर लेते हैं अपन इसको, v1 डिवाइडेड बाय v2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाय t2 और r2 डिवाइडेड बाय r1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो द डायमीटर ऑफ a इज ट्वाइस ऑफ b, यानी कि जो r1 जो है वो ट्वाइस ऑफ r2 के इक्वल है, तो पहली तो इंफॉर्मेशन ये पकड़ ली अपनों ने,
इसको आर टू ही रहने दिया और इसको क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ आर टू कर दिया। ये तो कहा गया है एंड टेंशन इन ए इज हाफ दैट इन बी, यानी कि टी वन जो है वो टी टू के कंपेरिजन में क्या है, हाफ है। ठीक है, टी टू से टी टू कट गया और यहां पे आर टू से आर टू कट गया, तो केवल और केवल बचेगा वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो के अंदर हमने करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर अगर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस के अंदर से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, इस सेगमेंट के ऊपर नीट के अंदर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। बट स्टिल ये जो वीडियो है हालांकि थोड़ा छोटा है, बट फिर भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने वेव की जिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पहचानना सीखा है, वेव की इक्वेशन को देख के या वेव की वेलोसिटी के बारे में हमने जो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, ये इन्फॉर्मेशन कल के वीडियो के अंदर जो हम वेव फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ती रहेगी। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो इन क्वेश्चंस के अंदर से पूछा जाएगा, उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है वो कल का जो वीडियो है उसके अंदर हर पल हमें काम आने वाली है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एज वेल एज दैट पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम 2020। सो माय बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।